हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, वो बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज लेके आते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी जनरल पब्लिक में हमें मिलते हैं। तो आज इस सेशन में, जो कि एक रैपिड फायर सेशन होगा, हम क्विकली बहुत सारी जो क्वेरीज है हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड उन्हें अटेंड करेंगे, उन्हें रेस्पॉन्ड करेंगे रैपिडली। आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि एज लिमिट क्या होती है हेयर ट्रांसप्लांट की। देखिए, अगर आप मेडिकली फिट हैं और आपके स्कैल्प पे एडिक्वेट डोनर एरिया है जो कि ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो इन जनरल देयर इज नो स्पेसिफिक एज ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। बट मेडिकली फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि 21 साल से पहले, 21 साल से छोटे पेशेंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट ना किया जाए। और हायर एज में अगर मेडिकली आप फिट हैं तो हायर एज की एज सच कोई लिमिट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट। दूसरा क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं, पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल क्यों होता है। देखिए, उसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कुछ फैक्टर्स पेशेंट रिलेटेड होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्लिनिक रिलेटेड होते हैं। अगर पेशेंट के फैक्टर्स की बात करें तो कोई डिजीज प्रोसेस या पुअर डोनर एरिया अगर होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस रहते हैं। और जो डॉक्टर या क्लिनिक की साइड पे रहते हैं, उसमें अगर एक प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं की जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जाए, तब भी हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस रहते हैं। कुछ पेशेंट हमसे पूछते हैं कि वाई इज हेयर ट्रांसप्लांट सो एक्सपेंसिव। देखिए, अगर आप एक क्वालिफाइड सर्जन से, एक्सपीरियंस सर्जन से कराएंगे हेयर ट्रांसप्लांट, और उसके अलावा एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में जिसमें कि इक्विपमेंट्स का भी, माइक्रोस्कोप्स का भी काफ़ी एक अच्छा ह्यूज एक्सपेंस होता है, उसके अलावा डॉक्टर की भी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी एक बार नहीं होती, रेगुलर ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट थोड़ी सी, मैं ये नहीं कहूँगा हायर साइड पे होती है, बट हाँ, रीजनेबल कॉस्ट में एक एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड सर्जन आपका हेयर ट्रांसप्लांट आराम से कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट के बारे में भी लोग हमसे पूछते हैं कि वो इतना वेरी क्यों करती है। अगेन, वो डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे, क्वालिफिकेशन पे, क्लिनिक सेटअप कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके पास बैकअप कैसा है, क्योंकि इन सब चीज़ों की एक फिक्स कॉस्ट होती है, रेगुलर कॉस्ट होती है। उसके अलावा डॉक्टर भी अपनी जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसे अपग्रेड करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड करते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब फैक्टर्स से जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट्स की, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट पर से अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से और एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में कराते हैं जो कि डिसइंफेक्शन के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, हर स्टेप पे मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर। लेकिन हाँ, जब इन सब चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो हेयर ट्रांसप्लांट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ ना के बराबर होती हैं, बहुत ही लो लेवल पे होती हैं और आप सेफली हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के डाउट्स होते हैं कि कौन सी टेक्निक उनके लिए बेटर है, FUP या FUE। देखिए, दोनों टेक्निक्स अपने में एक समान है, दोनों टेक्निक्स के फायदे नुकसान हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के लिए कौन सी टेक्निक सूटेबल है। सो एज अ डॉक्टर, इट्स माय जॉब टू एडवाइस यू कि आपके लिए FUP बेटर है या FUP बेटर है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो डॉक्टर असेस करता है और देखता है कि आपके लिए कौन सी टेक्निक एडवाइजेबल है, वो है आपका रेसिपिएंट एरिया कैसा है, कितना बड़ा है, किस ग्रेड ऑफ बॉन्डलेस से आप सफर कर रहे हैं, एंड देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका डोनर एरिया कैसा है। इन सब चीज़ों के हिसाब से आपको, आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपके लिए FUE बेटर है या FUP बेटर है या FUE प्लस FUE टेक्निक बेटर है। रिसेंटली बहुत एक न्यूज़ में आया था कि हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ हो गई है। तो देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, सर्जरी विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड साइंस। सो जैसे अगर हम बात करें हार्ट सर्जरी की, तो हार्ट सर्जरी के लिए आप जाते हैं कार्डियक सर्जन के पास, न्यूरो सर्जरी के लिए आप जाते हैं न्यूरल सर्जन के पास। तो अगर आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और जब आप ये सब चीज़ें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सर्जन से कराते हैं तो जो डेप्थ है या इस तरह की सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो ना के बराबर है, जीरो लेवल पे है,
बट हाँ, यही चीज अगर आप एक इल इक्विप्ड क्लिनिक पे कराते हैं, एक जिसे कहते हैं कि आजकल एक हेयर ट्रांसप्लांट का ब्लैक मार्केट चल रहा है जिसमें कि डॉक्टर यूजुअली नहीं होते हैं और कुछ ही लोगों की टीम होती है जो पूरा हेयर ट्रांसप्लांट कराती है, जिन्हें की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं होती है और जिस तरह से ओटी के प्रोटोकॉल्स, ये सब चीज के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं वो सब भी नहीं किए जाते हैं, उन सब सिचुएशंस में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये जो डेथ की पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली आप अगर कंपेयर करें किसी भी एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड सर्जन के यहाँ के क्लिनिक से तो वो संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है। फिर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हेयर ट्रांसप्लांट जब आप करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे तो उससे नर्व डैमेज के चांसेस कितने हैं। तो देखिए, जिस डेप्थ में हम हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म करते हैं स्किन की, जिस डेप्थ में वो होती है अराउंड 4 to 5 mm और उस डेप्थ में कोई भी स्किन की या बॉडी की सिग्निफिकेंट नर्व या वेसल नहीं आती है और उससे ज़्यादा डेप्थ में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जाने की जरूरत भी नहीं होती है। देन बियॉन्ड दैट स्कैल्प की बोन आती है जो कि बहुत ही एक थिक बोन होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट नर्व या इस तरह का डैमेज होने का रिस्क नाक के बराबर है। एक बहुत बड़ा कंसर्न पेशेंट्स का रहता है कि क्या डेंसिटी वो अचीव कर पाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। सो एज अ सर्जन, एज अ प्लास्टिक सर्जन, जो हमारा एम रहता है डेंसिटी देने का पेशेंट को, वो रहता है फ्रंटल एरिया में, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए होती है और हम सिंगल फॉलिकल्स इम्प्लांट करते हैं तो हम टारगेट करते हैं अराउंड 60 to 70 ग्राफ पर स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन जब फ्रंट से हम पीछे जाते जाते हैं तो डेंसिटी को ग्रेजुअली कम करते जाते हैं और जो टॉप वाला एरिया होता है वहाँ तक जाते रहते हैं हम डेंसिटी अराउंड 30 to 35 ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे रखते हैं। इससे ग्राफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है, नेचुरल तरीके से होता है और जो फ्रंट लुक आता है वो नेचुरल और हाई डेंसिटी वाला आता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो केयर की जरूरत है, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको करनी होती है, वो बहुत बेसिक सी होती है। हम इंस्ट्रक्शंस आपको रेगुलर इंटरवल्स पे देते रहते हैं कि कैसे आपको स्कैल्प वॉश करना है, कैसे आपको क्या क्या मेडिसिन अप्लाई करनी है, क्या क्या मेडिसिन आपको कंज्यूम करनी है। हाँ, बस जो बेसिक चीज़ ब्रॉडली अगर हम बात करें तो वो ये है कि 2 हफ्ते तक आपको किसी भी तरह का स्कैल्प पे एक तरह से जोर से रगड़ना या हेलमेट पहनना अवॉइड करना है और 4 से 6 हफ्ते तक आपको विग्रेस या सिवियर एक्सरसाइज अवॉइड करनी है टू गेट अ गुड हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कई पेशेंट्स का कंसर्न रहता है कि क्या वापस अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो यस, हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा जो प्राइमरी फोकस रहता है वो 2 होते हैं। पहला होता है कि जो रिसीविंग एरिया है वहाँ पे भी हाई डेंसिटी और नेचुरल लुक आए, एंड नंबर 2 कि डोनर एरिया जहाँ से हम ग्राफ्ट लें वहाँ पे भी किसी भी तरह का डेफिसिट या जिसे कहते हैं हेयरलेस एरिया या कोई स्कारिंग ना के बराबर है। सो ये सब चीज़ें जब हम ध्यान रखते हैं तो हम डोनर एरिया में एम्पल ऑफ हेयर काफ़ी अमाउंट में हेयर हम छोड़ते हैं सो दैट हमें अगर फ्यूचर में भी जरूरत पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट करने की तो सेकंड सेशन, और कई पेशेंट्स में हम 3-3, 4-4 सेशंस तक हम कर चुके हैं, स्पेशली वो पेशेंट्स जिन्होंने पहले 2 सेशंस कहीं बाहर करवाए हुए हैं और वो हमारे पास रिवीजन के लिए आते हैं क्योंकि उनका जो लुक होता है वो नेचुरल नहीं होता है और उनकी डेंसिटी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें हमने 3rd सेशन और 4th सेशन भी किया है उन्हें एक नेचुरल हाई डेंसिटी का लुक देने के लिए। कई बार पेशेंट उनसे पूछता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बाल मेरे किसी और रिलेटिव से लिए जा सकते हैं, तो देखिए नहीं, ऐसा संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें किसी फैमिली मेंबर से या किसी दूसरे पर्सन से लेके आपकी बॉडी में लगाने के लिए, तो लिवर और किडनी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो यूजुअली, और हार्ट जो कि ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और वो लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, तो ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन दी जाती हैं इन पेशेंट्स में वो उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स एक्सेप्टेबल होते हैं। बट हेयर के लिए वो मेडिसिन लेना, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किसी और पर्सन से हेयर लेके ट्रांसप्लांट करना और उसके बाद वो मेडिसिन लेना जिससे कि वो ग्राफ्ट सर्वाइव करे, जिन दवाइयों की बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट आपकी बॉडी से ही लिए जाते हैं, किसी और की बॉडी से अगर लेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कितना सेफ है? हेयर ट्रांसप्लांट अगर एक एक्सपीरियंस सर्जन द्वारा, एक क्वालिफाइड सर्जन द्वारा, एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में किया जाए तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स। कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं, चांसेस कब बढ़ते हैं? जब आप जिनसे करवा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट उनके पास बैकअप नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, और कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हर जगह के क्लिनिक के, ओटी के, स्टरिलिटी के, डिसइंफेक्शन के, वो जब फॉलो नहीं किए जाते तब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज पेशेंट कई बार हमसे पूछते हैं कि इज इट वर्थ गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट डन, क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने से फायदा होगा? तो डेफिनेटली देखिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, आप अगर बॉल्ड हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और आपके फ्रंट पे अगर बाल वापस आते हैं नेचुरल हाई डेंसिटी वाले, तो जो एक आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो साइकी है, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है और जिसे हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव फील करते हैं। हमारे ही कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जो कि अराउंड 40-45 ईयर्स की एज के थे, उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा था और बॉल्डनेस से भी वो एक तरह से सफ़र कर रहे थे। जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उनका नेचुरल लुक आया, उनकी अच्छी डेंसिटी उन्हें दिखने लगी, तो उन्होंने खुद को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया। उन्होंने वेट लूज किया, फिटनेस पे ध्यान दिया, उनका जो कपड़े पहनने का तरीका था वो काफ़ी चेंज हुआ, वो एक तरह से जिसे कहते हैं यूथफुल फील करने लग गए। तो यस, डेफिनेटली इट इज़ वर्थ इट। अगर आप एक नेचुरल और हाई डेंसिटी रिजल्ट पाते हैं तो वो आपकी साइकी को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है और आपको जिसे कहते हैं ये एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर है, आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है। हेयर ट्रांसप्लांट में अगर हम पेन की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही पेन फ्री प्रोसीजर होता है, लेकिन पेन आपको जो होता है वो तब होता है जब हम लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया जब हम स्टार्टिंग में स्कैल्प की स्किन में देते हैं, सबसे एक फाइन सीरम से निडल से हम इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्ट करते हैं पूरे स्कैल्प के अंदर, सो वो 60-90 सेकेंड्स की ड्यूरेशन होती है जिसमें थोड़ा सा आपको पेन फील होता है। और उस पेन को भी कम करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, आइस पैक्स यूज़ करते हैं, नंबिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, सो दैट वो पेन भी मिनिमाइज किया जा सके। उस लोकल एनेस्थीसिया के इन्फिल्ट्रेशन के बाद, इंजेक्शन के बाद जो पूरा प्रोसीजर होता है 6-8 घंटे का, दैट इज एब्सोल्युटली पेन फ्री। आपको बिल्कुल पेन नहीं फील होगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आपको जब ब्रेक लेना होगा हम ब्रेक देते हैं। इनफैक्ट प्रोसीजर के दौरान भी 1-2 कॉफी ब्रेक और लंच ब्रेक होता है एज अ रूटीन। पोस्ट प्रोसीजर अगर हमने आपको जो एडवाइस किया हुआ मेडिसिन वो अगर आप रेजिम पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, बिल्कुल पेन फ्री रहेंगे। बट हाँ, आपको 2-3 दिन तक ऐसा फील होगा कि जैसा थोड़ा लाइट हेडेडनेस है और आपने सर पे कुछ पहना हुआ है, बियॉन्ड दैट इट्स अ टोटली कंफर्टेबल जर्नी। हेयर ट्रांसप्लांट की स्कार्स क्या परमानेंट होते हैं या टेम्पररी होते हैं? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है, तो जब कोई भी सर्जरी होती है तो डेफिनेटली वो स्कार्स छोड़ती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट पे रिसिपिएंट एरिया पे तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, दोनों एरिया में चाहे हम एफयूवी करें चाहे एफयूटी करें, डेफिनेटली स्टार्स होते हैं और वो स्टार्स धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम होते हैं, 5-6 महीने में। तो जब आप हेयर ट्रांसप्लांट अपने एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कराते हैं, तो उन्हें पता होता है कि एफयूटी का स्टार हो चाहे एफयूवी का स्टार हो, उसे ड्यूरिंग प्रोसीजर भी कैसे मिनिमाइज करना है और पोस्ट प्रोसीजर भी इनिशियल 5-6 मंथ्स से वो आपको उसी तरह से एडवाइस करते हैं, सो दैट 6 महीने बाद आपका जो स्कैल्प है वो मिनिमम स्कारिंग के साथ हो और कोई भी मेकआउट नहीं कर पाए कि किसी भी तरह का डोनर एरिया में भी प्रोसीजर हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट से क्या हेयर डेंसिटी इंक्रीज होती है? यस, डेफिनेटली कुछ केसेस में जिनमें कि हम जिसे कहते हैं कि अगर फ्रंटल बॉल्डनेस नहीं है लेकिन डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, तो उन केसेस में हम इंटरमीडिएट ग्राफ्टिंग करके और जो बाल एग्जिस्टिंग है उनके बीच में बाल लगा के डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट एक नेचुरल और हाई डेंसिटी लुक अचीव किया जा सके। हेयर ट्रांसप्लांट थिनिंग में हेल्प करता है या नहीं? देखिए, अगर आपको सिर्फ थिनिंग हो रही है हेयर की और पूरे स्कैल्प पे हेयर है, तो आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी मॉडिफिकेशंस और कुछ मेडिसिन से ही डेफिनेटली फायदा मिल सकता है। उस केस में आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो दूसरा एक कंसर्न रहता है कि देखिए, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो मैग्निफिकेशन हर स्टेप पे यूज करते हैं, हम स्किन को इन्फिल्ट्रेट करके एक्सपैंड कर लेते हैं और जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर होते हैं उनके बीच में ही उसको 5x 6x मैग्नीफाई करके देखते हैं और बीच बीच में ग्राफ कराते हैं और आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनको डैमेज नहीं होने देते। विद दिस वी कंक्लूड आवर रैपिड फायर सेशन फॉर टुडे। आई होप कि ये जो क्वेरीज थी आपकी वो हमने पूरी कोशिश की क्विकली रिजॉल्व करने की और आपको हेल्प करेगी आपके हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में डिसाइड करने के लिए। इससे रिलेटेड आपकी और भी कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख सकते हैं या फिर नीचे लिखे नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी आपकी क्वेश्चंस और क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू।